सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट। 11 साल के बाद जयपुर के ब्लास्ट पीड़ितों को आज न्याय मिला है। जी हां, जयपुर की विशेष अदालत ने आज 4 आरोपियों को जयपुर ब्लास्ट का दोषी करार दिया है, जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया है। सबूतों के अभाव में उसके खिलाफ जो है जांच में जो भी बातें आईं, कोर्ट उनसे इत्तफाक नहीं रखता है। लेकिन 4 आरोपियों को जो है कोर्ट ने आज दोषी ठहरा दिया है। आपको बता दें, 13 मई 2008 की शाम जयपुर में 8 जगहों पर ब्लास्ट हुए थे। ये सीरियल ब्लास्ट थे। पहला धमाका शाम के 7:20 के आसपास हुआ था, जो कि हवा महल के पास हुआ था, माणक चौक के पास। और आपको बता दें, इन 8 जगहों में मैं आपको बता दूं कि चांदपोल गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, जौहरी बाजार, सांगानेरी गेट, माणक चौक और हवा महल के सामने ये ब्लास्ट हुए थे। और इनको करने वाले ही इन आरोपियों में ये सरवर आजमी, सैफुर रहमान, सलमान और मोहम्मद सैफ, इन चारों आरोपियों को आज दोषी करार दिया गया है। और शुक्रवार को यानी कि 20 तारीख को इनके खिलाफ सजा का ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें, जयपुर में 13 मई 2008 को जो ये ब्लास्ट हुए थे, सीरियल ब्लास्ट हुए थे, इस पूरे मामले में पुलिस ने 13 लोगों को आरोपी बनाया था। इन 13 आरोपियों में से 4 ये हुए, एक को बरी कर दिया गया। इनमें से 3 जो हैं वो हैदराबाद और दिल्ली की जेलों में बंद हैं और 2 बाटला हाउस, आपको याद होगा बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, उस एनकाउंटर में 2 मारे गए थे। 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से कि 4 लोगों को आज दोषी करार दिया है जयपुर की विशेष अदालत ने। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में काफ़ी छानबीन की, बेहद तफ्तीश की और लगभग 1293 लोगों के लोग इस मामले में गवाह बने, जिन लोगों ने गवाही दी थी। इस ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत हुई थी और लगभग 185 लोग घायल हुए थे, इंजर्ड हुए थे और बुरे तरीके से इंजर्ड हुए थे। जयपुर दहशत की वो शाम को भुला नहीं पाता और शायद इसीलिए पीड़ितों की ये मांग थी और अभी भी ये मांग है कि इन आरोपियों के सबके सामने, जयपुर के पीड़ितों के सामने फांसी पर लटकाया जाए। हालांकि ये फैसला अब अदालत को लेना है और अदालत इनको क्या सजा देता है, मौत की सजा देता है, आजीवन कारावास की सजा देता है, ये शुक्रवार को पता चल सकता है जब अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगी। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर थी और आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी था कि 11 साल के बाद जयपुर के ब्लास्ट पीड़ितों को, जो बम ब्लास्ट में मारे गए, उनके परिजनों के दिलों को आज ठंडक पहुंची है, क्योंकि 11 साल के बाद आरोपियों को आज जयपुर की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। अभी के लिए इतना ही। जैसे जैसे इस मामले में और अपडेट आएगा, हम आपके पास लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।